मैं हूं संसार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट्स फॉर में। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सोने की ज्वेलरी खरीदते या बेचते हैं तो सोने का दाम उसकी प्योरिटी से होती है। दोस्तों, जब हम कहीं गाड़ी चलाते हैं तो हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो केजी में मापते हैं, जैसे 5 केजी 10 केजी। वैसे ही सोने की प्योरिटी को कैरेट में मापा जाता है। सोने में 4 तरह के कैरेट होते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। हालांकि 24 कैरेट सोना नरम होता है और इसका शेप बिगड़ सकता है। मजबूती और डिजाइनिंग के लिए इसमें दूसरी मेटल मिलाए जाते हैं। कैरेट जितना ज्यादा होगा, सोने की ज्वेलरी उतनी ही महंगी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा कैरेट का मतलब है ज्वेलरी में सोना ज्यादा होना। 24 कैरेट सोना ये बताता है इसमें 24 पार्ट प्योर सोना है और इसमें कोई और मेटल नहीं मिली है। ज्यादातर लोग इतने कैरेट के सोने को सिक्के या बार के रूप में खरीदना पसंद करते हैं। 22 कैरेट सोना, इसका मतलब है कि ज्वेलरी में 22 पार्ट सोना है, बचे 2 पार्ट में मेटल है। 18 कैरेट सोना, इसमें 75% सोना और 25% तांबा और चांदी होती है। इसका इस्तेमाल स्टड और हीरे के ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। 14 कैरेट सोना, इसमें 58.5% प्योर सोना होता है और बाकी दूसरी मेटल होती है। ये इंडिया में ज्यादा नहीं चलता। दोस्तों, कुछ लोगों ने ऐसा सोना देखा होगा लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा सोना नहीं देखा होगा। मैंने भी नहीं देखा। गुलाबी सोना, हरा सोना, सफेद सोना, ज्यादा तांबा को मिलाकर गुलाबी सोना बनता है, ज्यादा जस्ता और चांदी को मिलाकर हरा सोना बनाया जाता है, निकल या प्लेडियम मिलाकर सफेद सोना बनाया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 24 कैरेट सोना 100% प्योर कैसे हो जाता है? 24 बराबर 100% थोड़ी होता है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सोने को कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/24% गोल्ड। अब आप मान लो कि आपने 24, 22, 18 या 14 कैरेट में से कोई भी सोना लिया हो तो उतना लिख के बटा के नीचे 24 लिख दे और × 100 कर दे, आपके ज्वेलरी में सोने का परसेंट निकल जाएगा। वैसे ही जब आप 24 कैरेट सोने की प्योरिटी यानी 24 कैरेट सोने में कितना सोना है अगर ये निकालोगे तो आपको लिखना होगा 24/24 × 100। आप जब ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि 24 कैरेट सोना बिल्कुल प्योर कैसे होता है, क्योंकि आपके पास 100 बचेगा। दोस्तों, मैंने ये जानकारी आप तक पहुंचाई, अब आगे पहुंचाना आपका काम। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।